प्रदेश के मुरादाबाद में नवाबगंज इलाके में 15 अप्रैल को जब डॉक्टरों की टीम कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची, तो लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मेडिकल टीम को बचाने पहुंची पुलिस पर भी जमकर पत्थर फेंके गए। खबरों के मुताबिक मेडिकल टीम और पुलिस पर हमले की साजिश एक दिन पहले ही कर ली गई थी। कुछ स्थानीय लोग और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इसी साजिश के तहत घरों की छत पर ईंट पत्थर पहले से जमा कर लिए गए थे, साथ ही तेज तर्रार महिलाओं को आगे रखा गया जिससे पुलिस चकरा जाए। साजिशकर्ताओं ने सोचा था कि अगर पुलिस और मेडिकल की टीम पर हमला करेंगे तो वो घबरा जाएंगी और फिर यहां पर जांच करने के लिए नहीं आएंगी। वहीं पुलिस के मुताबिक लोगों से पूछताछ में उकसाने की बात सामने आई है, साथ ही पुलिस हिरासत में ली गई महिलाओं और लोगों ने पूछताछ में ये बात भी कबूल की है कि कुछ लोगों ने ही उन्हें उकसाया था कि अगर एक बार पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला हो जाएगा तो वहां आने की कोशिश नहीं करेंगे। दरअसल जब से निजामुद्दीन का मामला सामने आया है तब से जमात के लोगों को शहर शहर तलाशा जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद में भी मेडिकल टीम जमातियों की जांच और तलाश के लिए पहुंची थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभी भी वहां कई लोग छिपे हुए हैं। खबरों के मुताबिक पहले मंगलवार को टीम पर हमले की साजिश थी, लेकिन कोरोना से मृत शख्स के शव को दफनाना था, जिसकी वजह से टीम क्वारंटीन करने के लिए मंगलवार को नहीं पहुंच पाई थी। अगर क्षेत्र में टीम मंगलवार को ही जाती तो भी टीम पर हमला किया जाना था। न्यूज़ डेस्क।